देखो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे लिमिट से सबसे पहले, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें पहले जानेंगे इसके बारे में, लिमिट्स के बारे में क्या है। लिमिट्स में क्या है, क्या क्या सेक्शन पढ़ेंगे इसमें हम। सबसे पहला सेक्शन इसमें पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ लिमिट, देखेंगे क्या होती है। Then we will study indeterminate form. Then by determining these, we will study L-Hospital rule. And then we will evaluate the limit. ठीक है? Yes. तीन चार पॉइंट देखेंगे, अगर लिमिट समझ में आ जाएंगे तो फिर आगे हम इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है? Yes. देखते हैं। अच्छा ये बेसिक है, इसके बाद में इसी में हम और देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, लॉगरिथमिक लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट, मिसलेनियस फॉर्म एंड लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है। यूज ऑफ स्टैंडर्ड थ्योरम एंड रिजल्ट्स एंड यूज ऑफ न्यूटन या न्यूटन फार्मूला इन इवैल्यूएटिंग द लिमिट, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है ये एक्चुअली में। What is definition of limit actually? Someone asked you कि what is definition of limit तो क्या? Actually मैं देखो अभी हम लोग क्या पढ़ते थे, हम function पढ़ते थे ना? Yes. हम function पढ़ते थे f x equal to कुछ define कर देते थे, मान लेते हैं कि f x equal to हमने x define किया हुआ था ना? अब इसमें अगर value निकालनी होती कि at x equal to a तो एफ एक्स में ए पुटअप कर देते हैं हम, यहाँ पे ए लिख देते हो, ये क्या हो जाता है, ए हो जाता है ये, ठीक है। yes. ये इसकी वैल्यू हो जाती है। तो इस फंक्शन में जो वैल्यू होती थी इसको बोलते हैं स्टैटिक वैल्यू, क्या बोलते हैं, स्टैटिक वैल्यू, स्टैटिक वैल्यू। यही चीज अगर ये वैल्यू स्टैटिक ना हो करके आपकी डायनेमिक हो जाए या रनिंग हो जाए, ठीक है, तो फिर हमें लिमिट की वहां पे रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब होगा कि व्हेन योर एक्स विल नॉट एग्जैक्टली एच बट इट अप्रोचिंग एच, क्या कर रही है, बट इट अप्रोचिंग एच, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, तो देखो हम इसकी जो क्लासिकल डेफिनेशन या वो डेफिनेशन है वो देखने से पहले हम चाहते हैं कुछ बिल्कुल से बेसिक चीजें जो देख लें, जो कि अमूमन आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा इस टाइप के एग्जांपल, ठीक है। इवन मतलब बहुत छोटा बच्चा भी इन चीजों को नहीं पढ़ता, लेकिन ये चीजें बड़ी हेल्पफुल होती हैं, आगे बच्चा इन्हीं वजह से परेशान होता है वो, ठीक है, क्योंकि उसको इसी की समझ नहीं रहती है थोड़ा सा, ठीक है। देखो क्या है, तो अब इसी को क्या करें, अगर हम कहते हैं निकालना चाहें कि वैल्यू ऑफ एक्स या वैल्यू ऑफ एफ एक्स, वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टू ए, क्या कहें हम, एक्स टेंडिंग टू ए इट मींस एक्स इज नॉट एक्चुअली ए, ठीक है। इफ एक्स इक्वल टू ए देन वी हैव एफ ए इक्वल टू ए, दैट इज द स्टैटिक लिमिट हियर, ठीक है। बट सिचुएशन यहां पे व्हेन A actually approaching A, not A, X not actually A, but it's approaching A, it's very 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 close to A, but not A. For example, अगर हम उसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, कोई पॉइंट 2.0 पे बात करना चाहते हैं, ठीक है, अब कोई पॉइंट 1.9.9999999999 है, क्या है,
9999x है, तो अब ये क्या है एक्चुअली में? ये दो तो नहीं हो सकता ना, बट ये क्या है, दो को अप्रोच कर रहा है। इसी तरीके से आपका 2.000001, अब ये भी एक्चुअली टू नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी क्या है, एक भी क्या टू को अप्रोच कर रहा है। तो जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम अप्रोच कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी हम एक्स की रनिंग वैल्यू चाह रहे होते हैं, तो वहां पे हमें लिमिट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और हम इसको कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं वैल्यूज ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टू ए दैट इज देन वी नीड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स। इट मीन्स वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स इज एक्चुअली अप्रोचिंग ए, नॉट एक्चुअली ए, ओके। अगर इतनी सी बात समझ में आ जाएगी हमको, तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी कि एक्स इज एक्चुअली नॉट ए, एक्स इज एक्चुअली अप्रोचिंग ए, ठीक है, ओके ओके। तो ये क्या है एक्चुअली में, इसको हम बोलते हैं रनिंग, अपने समझने के लिए क्या बोलते हैं इसको, रनिंग वैल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रनिंग वैल्यू। यहाँ पे है ना, ये 1.999 इतना भी हो सकता था, 1.99 यहाँ तक भी हो सकता था, यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, और आगे स्वांड हो सकता है, ठीक है। तो क्या है, ये रनिंग वैल्यू है, ठीक है, ओके। बस इतना ध्यान रखना, एक्स इज नेवर इक्वल टू ए हियर, ठीक है। अगर एक्स इक्वल टू ए ले लिया तो स्टैटिक वैल्यू हो जाएगी, वो फिर लिमिट की रिक्वायरमेंट हमें नहीं रहेगी, ओके। तो इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अच्छा अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर हम कहीं कुछ पूछे तो हम कई बार बोलते हैं इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी क्या है, डिटरमाइंड है या अनडिटरमाइंड है? मतलब कि इन्फिनिटी को क्या बोलेंगे, अनडिटरमाइंड मतलब से 1 अपॉन इन्फिनिटी तो हम जीरो लेते, बट वैसे इन्फिनिटी की तो कोई वैल्यू नहीं। इन्फिनिटी का मतलब होता है सो बिग, क्या होता है, सो बिग दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड आर कैलकुलेटेड। इट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो कहीं पे इंफिनिटी आएगा तो उसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड, एक्चुअली वी हैव नॉट कैलकुलेटेड दैट मच वैल्यू, ठीक है, yes, अच्छा। बट देर इज सम फॉर्म विच आर नोन एज इनडिटरमिनेंट, क्या बोलते हैं उनको, इनडिटरमिनेंट, क्या बोलते हैं, इनफिनिटी को भी इनडिटरमिनेंट कहते हैं, इनडिटरमिनेंट। इनडिटरमिनेंट क्या होता है, इनडिटरमिनेंट का मीनिंग होता है दैट एक्चुअली वी कैन नॉट डिटरमाइन, क्या होता है वो, दैट वी कैन हियर infinity we can not define, but if we have infinity by infinity then we can not determine this, okay, zero by zero we can not determine this, zero into infinity we can not determine this, ठीक है। तो there are actually somehow where people are thinking it's 8 types, some people thinking it's 7 types, we will discuss all 8 types, no problem, ठीक है? Yes sir. So whenever we will have this number, these are indeterminate, ठीक है? Actually we cannot determine these. अच्छा यहाँ पे क्या होता है, actually value कब आती है? ये value आती है जैसे आपका कोई fx दिया हो इस type का, x square minus 4 upon x minus 2 दिया है, ठीक है? Yes sir. x equal to 2, तो यहाँ पे x equal to 2 तो fx x tending to 2 की बात हो रही है, तो अब अगर 2 put up कर दोगे तो ऊपर वाला 0 नीचे वाला भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, ये आपका tending to 0 upon tending to 0 होता है, ठीक है, yes,
यस ये हमें ध्यान में रहना चाहिए, एग्जैक्टली 0/0 नहीं है ये, क्या है ये टेंडिंग टू 0/0 है, एक्स एज एक्स टेंडिंग टू टू दिस वैल्यू इज टेंडिंग टू जीरो, ओके अच्छा इसी पे पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स उनको समझ लेते हैं, एग्जांपल जो लिया था हमने उसी को समझ ले तो देखो अभी चीजें हमारे लिए बहुत इजी हो जाएंगी आगे उनकी थ्योरी समझने में, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कोई पूछ सकता है व्हाई लिमिट, लिमिट की हमें क्या रिक्वायरमेंट है, तो लिमिट की रिक्वायरमेंट है क्योंकि जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, अगर रनिंग वैल्यू चाहिए तो हमें लिमिट की रिक्वायरमेंट है। एक एग्जांपल लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट को और आगे समझने के लिए कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है देखते हैं। लेट अस डिफाइन अ फंक्शन f1x = x + 2 एंड अनदर फंक्शन f2x = x²-4, पुराना एग्जांपल लिया था इसी को ले लेते हैं, ठीक है ओके। नाउ एट x = 2 f12 = कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट f22 कौन सा फॉर्म हो गया, इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो गया। नीचे सिर्फ x² था तो 0/2 नहीं हो जाएगा। अब सही है, ये पुराना एग्जांपल उससे लिया हमने ना, यस सर। ये क्या हो जाएगा 0/0, मतलब कौन सा फॉर्म हो गया ये, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। अब ये वैल्यू कैसे निकाल लेंगे हम, तो जब ये वैल्यू नहीं निकल सकती है तो क्या निकालेंगे हम इसकी वैल्यू, लिमिट लगा के रनिंग वैल्यू निकालना चाहेंगे अब हम, तो एक बार इसका ग्राफ बनाते हैं जरा हम, तो रनिंग वैल्यू निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे इसको, f2x can be written as x² - 4 upon x - 2, this can be written as x + 2 upon x - 2 upon x - 2, and this is going to be x + 2 if x does not equal to 2, okay? Yes. If x equal to 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 0/0 हो जाएगा, ओके yes, okay. अब इसका जरा ग्राफ बनाते हैं हम, अब फिर समझते हैं कि एक्चुअल में था क्या ये, तो ये सब मैथ में ग्राफ बना लो, ग्राफ बन जाए तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। तो f2x = x + 2 है, x does not equal to 0 है जब, ठीक है yes. अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, x = 0 रखोगे तो y = 2 मिलना चाहिए, यहाँ से ग्राफ जाना चाहिए इसे ना, ये लाइन। अब ध्यान क्या रहना चाहिए, ये 1 हो गया ये 2 हो गया, 2 पे डिफाइन नहीं है ये वैल्यू, क्या है 2 पे डिफाइन नहीं है, तो क्या करेंगे अब हम, तो 2 पे हम ओपन सर्किट बना देंगे, ठीक है yes. अब ये f(x = x+2) का ग्राफ हो गया, तो x≤2 के लिए 2 पे हमने क्या बना दिया, ओपन सर्किट, ठीक है yes, तो 2 पे डिफाइन नहीं है। अब 2 पे वैल्यू हमको चाहिए इसकी, तो इसकी 2 पे वैल्यू पाने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, रनिंग वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी की लेफ्ट हैंड साइड से कितना वैल्यू देगा और ये राइट हैंड साइड से कितनी वैल्यू देगा, तो चूंकि ये वैल्यू वेरी वेरी क्लोज टू 2 के वैल्यू के होगा, इसी yes. तरीके से ये वैल्यू भी वेरी वेरी क्लोज टू 2 के वैल्यू का होगा। एक्चुअली yes. हम यहाँ पे लाइन पे बना रहे हैं इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा स्पेस दिख रहा है, एक्चुअली में सोचेंगे तो ये वैल्यू क्या है 1.99999 है ये वाली, और yes. ये कितने क्रॉस करेंगे 2.00001 के लिए, तो
ऑलमोस्ट दिस टू वैल्यू आर ओवरलैपिंग और ये दोनों वैल्यू क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। जो लिमिट से हम लगाएंगे उसकी, हाँ उसी चीज को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर रनिंग वैल्यू कहाँ से आई, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, व्हाई लिमिट। तो जब ऐसे सिचुएशन होती है तो हमको लिमिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। यस ये समझ में आ गया ना, यस। ठीक है। अब यहाँ पे x इक्वल टू अगर 2 की वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको एक्चुअली में क्या मिलेगा, ये 4 मिल जाएगा। f टू x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। यस क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुटअप करोगे तो 3.9999999999 देगा ये ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू 4। यहाँ पे करोगे तो क्या देगा, 4.00000001 देगा ये, दैट इज अगेन गोइंग टू इक्विवेलेंट टू 4। This is how if we have situation that x equal to a your function changes to indeterminate form, then we need to find the running value of the function at that point. For that purpose, we need to understand the concept of limit. Yes. Okay. Yes. Okay. अब इसका मैं अच्छा लेफ्ट हैंड साइड का मीनिंग क्या हो गया, अगर मैं 2 के जगह a लिख दूं, क्या लिखू a, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू a माइनस h की वैल्यू निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से और x इक्वल टू a प्लस h की वैल्यू निकालना चाहते हैं राइट हैंड से। यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट x टेंडिंग टू a देन h टेंडिंग टू 0, यहाँ x टेंडिंग टू a एंड h टेंडिंग टू 0, ठीक है। हमने राइट साइड पे a प्लस h क्यों किया, 2.00000 लिया हमने, यस सर, तो a 2 हो गया हमारा, यस सर, और h क्या हो गया, 0.00001 हो गया ना, ठीक है, यस सर। ये जो वैल्यू हमने निकाली हुई है ये वाली, ये क्या है एक्चुअली में, ये 2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस क्या है, 0.00000001 है, यही है ना, ये वैल्यू। और ये वैल्यू क्या है, ये आपका 2 प्लस 0.00001 है ना। तो इसी चीज को हम अब जब जनरलाइज करते हैं तो इसको a माइनस एच लिखते हैं और इधर वाले को हम a प्लस एच लिखते हैं। समझा नहीं आया, हेलो 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 हेलो, हेलो। हाँ बेटा, वो आवाज चली गई थी। हाँ तो देखो हम क्या देख रहे हैं, मेरे को सब से वो आप बता रहे थे फिर वो मैं ठीक है। यस, अब ये वैल्यू x इक्वल टू a पे है हमारे पास, एक तरीके से जनरलाइज कर लिया इसको हमने, ठीक है। Yes, sir. तो अब वैल्यू नहीं तो क्या किया हमने, हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया। yes, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, x इक्वल टू a माइनस h हो जाएगी ना, ये वैल्यू आपकी a से छोटी होगी। हेलो, यस सर, a माइनस h हो जाएगी। हाँ, और इस साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इस साइड की वैल्यू a प्लस h। हाँ, a से बड़ी होगी तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस h हो जाएगा। तो रनिंग लिमिट निकालने के लिए दो वैल्यू हम यूज करेंगे, a माइनस h और a प्लस h। और इसको लिखते कैसे हैं जरा उसको भी देखें, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, एल एच एल, क्या बोलते हैं, एल एच एल। और इसको लिखते कैसे हैं, लिमिट
एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, इसको लिखते हैं आर एच एल, इसका मीनिंग होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, ठीक है? ओके अच्छा, अब जब इसके वैल्यू निकालने हैं तो इसके वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो क्या होता है फॉर इवोल्यूशन, वी नो दैट इफ दिस टू एग्जिस्ट आर डिफाइंड देन एल एच इक्वल टू आर एच एल, ये इक्वल होनी चाहिए, और इसलिए इनके वैल्यू जब भी निकालना हो तो एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स निकल जाएगा, ठीक है? जैसे पिछले केस में हमने निकाला कि वैल्यू दो दो रखने पे चार आ रही थी, ठीक है? भाई छोटा सा पॉइंट यहाँ पे और है कि इसको इवेल्यूएट कैसे करते हैं, तो जब भी इसका इवेल्यूशन करना हो आपका, ठीक है, एग्जांपल के लिए मान लो एल एच एल इवेल्यूएट करना है, तो हम कैसे प्रोसीजर फॉलो करेंगे? आई होप कि आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा इन चीजों को, फिर भी मैं एक बार उनको रिवाइज कर लेता हूँ तो बेटर रहेगा हमारे लिए, ठीक है? हम क्या करेंगे, स्टेप वन, वी विल पुट एक्स इक्वल टू ए माइनस एच, और क्या लिखेंगे, सो दैट एक्स टेंडिंग टू ए एंड एच टेंडिंग टू जीरो हो, ठीक है? हेलो हेलो, और इसको लिखते कैसे है? Yes, sir. फिर लिखेंगे इसको, मतलब एल एच एल इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो फाइनल इवोल्यूशन और एफ ए माइनस एच करके हम इसके वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है? इसी तरीके से आर एच एल निकालना है हमें, तो क्या करेंगे इसको, हम वी विल पुट एक्स इक्वल टू ए प्लस एच सच दैट एक्स टेन टू ए एंड एच टेन टू जीरो, अब इसको हम ऐसे निकाल लेंगे आर एच एल इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच इक्वल टू वैल्यू, ठीक है? हमने जो एफ एक्स था एक्स की जगह पे ए माइनस एच रख दिया, ठीक है, और लिमिट की जगह पे एच टेंडिंग टू जीरो जो ए टेंडिंग टू एक्स था ना, ये यही आपका कन्वर्ट हो गया, क्या कन्वर्ट हो गया, ये बन गया लिमिट एच बन गया, ये टेंडिंग टू जीरो और ये एफ ए माइनस एच हो गया, ठीक है? आर एच एल में क्या बन गया, ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और एफ ए प्लस एच हो गया ये, ठीक है? यस सर। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लर्निंग का आता है, वो आता है कि टू चेक वेदर लिमिट एग्जिस्ट आर नॉट, क्या है क्वेश्चन है, वेदर लिमिट एग्जिस्ट आर नॉट, तो इफ इफ आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, क्या होता है, इफ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच, ये इक्वल है, तो इसका मतलब होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है? अगर ये इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है? और ये इसी के वैल्यू निकाल लेते हैं, इसी से ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है लिमिट एक्चुअली में एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, और ये सारी के सारी वैल्यू क्या होती हैं, एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है? अब एक थ्योरेटिकल एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, थ्योरेटिकल एग्जांपल लेते हैं, अगर दिया है आपको इवैल्यूएट इवैल्यूएट अ
लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू एफ एक्स, और आपको एक ग्राफ दे दिया है, क्या दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है, ये वैल्यू दे दी गई, आपसे पूछा गया इसकी वैल्यू, इसका इसको इवैल्यूएट करो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो साइन का ग्राफ है, हमें अभी तो नहीं पता किसका ग्राफ है ना, हो सकता है साइन का हो, हमें तो खाली ग्राफ दे दिया गया है, सिर्फ इसी को देख के हमें वैल्यू बता देनी है। तो जब भी कभी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, और यहाँ पे आपका ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म दिख रहा है ना ये, yes. इसका मतलब इसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के वैल्यू सेम होनी चाहिए, और इसको देखो आप यहाँ से, तो लेफ्ट हैंड पे जाओगे तो ये भी क्लोज टू बन जाएगा, और राइट हैंड से लेकर आओगे तो ये भी क्लोज टू बन ही आएगा ना, yes. इसका मतलब क्या हुआ, आर एच एल इक्वल टू एल एच एल हो जाएगा इस केस में, यहाँ से भी 1 कैसे होगा बेटा, इसके इस पॉइंट के करस्पोंडिंग वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, 0.1, तो वाई पे कितना हुआ 1, इसकी लेंथ बतानी है पूरी हमको, ठीक है, क्योंकि यहाँ फंक्शन आपका इंडिटरमिनेंट, तो इसको इसको नहीं बता सकते हम, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लेफ्ट हैंड से अप्रोच करके इसकी लेंथ और इसकी लेंथ तो मेजर कर सकते हैं ना, यस। अब देखो फिगर में दिख रहा है कि इन दोनों की लेंथ सेम है ना, यस है ना, और किसके इक्विवेलेंट है, वो वन को अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे आपका एक्स पाई बाई टू को टेंड कर रहा है माइनस से, एफ एक्स टेंड कर रहा है वन को, कर रहा है ना, yes, जैसे जैसे आपका ये टेंड कर रहा है बाई टू प्लस से, ये एफ एक्स अगेन टेंड कर रहा है वन को, प्लस से टेंड करने का मतलब इस तरफ से इसे क्लोज आना, इस yes, तरफ से क्लोज आना, माइनस से इस तरफ से क्लोज आना, इसके मतलब पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर और क्लोज गया, फिर और क्लोज गया, इतना क्लोज गया कि एक तरीके से ये आपका बिल्कुल क्लोज चला गया, कितने 1.9999999 वैल्यू मिल गई इसकी, उसी तरीके से ये इससे क्लोज आया, पहले यहाँ से आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, और फिर इतना क्लोज आया कि इसकी करस्पोंडिंग वैल्यू 0.99999 मिल गई, तो मतलब क्या है, दोनों की वैल्यू सेम हो गई ना, इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, तो हमने हमने क्या पता देखा था कि इफ आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, यही हमारी लिमिट हो जाती थी ना, तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी वैल्यू, वन हो जाएगी, तो इसको तो ऐसे तो ग्राफ बना के मिलेगा नहीं आपको, ठीक है, आपको हमेशा अपना ग्राफ खुद बनाना पड़ेगा, लेकिन इसलिए हम सीख रहे हैं ताकि हम जान जाएं ग्राफ बना करके भी हम वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ पे आपका इंडिटरमिनेंट हो रहा था उसी के करस्पोंडिंग जो वैल्यू हो रही है वही इसकी वैल्यू हो पा रही है, ठीक है, ओके, एक केस और देखते हैं, ये वाली वेट क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एफ एक्स निकालना है, और यह ग्राफ दिया हुआ है आपको, ठीक है,
ये ग्राफ दिया हुआ है, इस पे आपको जो है निकालना है। ठीक है, बताओ क्या वैल्यू आएगी। कितनी आ जाएगी? वन। नहीं, ठीक है, देखो क्या है ये, इसमें RHL इक्वल टू LHL है। RHL इक्वल टू LHL नहीं आ रहा, फिर हम कैसे बोल देंगे डिफाइन है ये? देखो इसमें आपका राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है कहीं पे, ये फंक्शन आपका यहीं पे इंड हो जा रहा है वन पे जाके ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जब LHL है ही नहीं है, RHL LHL तो वन है आपका, बट आर एच एल तो है ही नहीं, तो जब हमने क्या कहा था डिफाइन होने के लिए, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होना चाहिए। इफ दिस इज नॉट द केस देन फंक्शन इज नॉट डिफाइन, इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू वन फॉर दिस फंक्शन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, we cannot evaluate, ठीक है, running value of function at x equal to 1, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर क्वेश्चन ये पूछा होता हमसे, evaluate limit x tending to 1 minus fx, तब निकाल देते हम, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। yes sir, समझा रही बात ना? yes sir, तो डरना बिल्कुल नहीं है, हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट ओके करना, नहीं एग्जिस्ट कर नहीं कर रही है, ठीक है। उसने पूछ लिया इसका मतलब थोड़ी कि हम उसको निकाल के ही दम लेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और थोड़ा सा और कुछ पॉइंट ऐड करके इसको थोड़ा मतलब डिटेल में देखते हैं। एक ग्राफ बनाते हैं, कोई फंक्शन दिया हुआ हमको, एक रेंडम फंक्शन चूज कर रहे हैं, इस टाइप का ग्राफ हमने पीछे पढ़ते हुए देखा हुआ है पहले, ठीक है। ये कंटिन्यूअस है, यहाँ पे भी ये कंटिन्यूअस है, यहाँ पे आके ये ना इंडिटर्मिनेंट हो जाता है, यहाँ से यहाँ पे कंटिन्यूअस है ये, और यहाँ से यहाँ ये आपका फिर कांस्टेंट हो गया, और ये आपका चला गया 4, 4, 3, 2, 1, 0, और ये आपका -1, ठीक है। क्वेश्चन दिया है इस पे, इवैल्यूएशन करना लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एफ एक्स, ये वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो देखो अब इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें खाली देखना है, क्योंकि अब तो हम सीबीएसई एग्जाम देंगे नहीं हमको दोबारा, ठीक है। तो सीबीएसई एग्जाम तो देना नहीं दोबारा हमको अब 12th का, ठीक है। तो हमें कॉन्सेप्ट देखना आगे बढ़ जाना है। सबसे पहले देखते हैं x इक्वल टू -1 पे, x इक्वल टू -1 पे तो RHL तो है आपके पास राइट हैंड साइड, बट LHL नहीं है। यस सर,
LHL does not exist. Yes. तो इसका मतलब क्या हो गया? Limit. Limit does not exist. Does not exist. Okay. X equal to zero पे देखें. X equal to zero पे RHL आपकी one है. RHL equal to one है ये two है. ठीक है? One है. ये coordinate zero two हो जाएगा. ये coordinate आपका zero one हो गया. ठीक है? और LHL कितना हो जाएगा इसपे? ये दो है. तो इसके लिए RHL does not equal to LHL है. इसका मतलब क्या हुआ? Limit does not exist. Why does not exist? क्योंकि LHL does not equal to RHL. ठीक है? Yes. ये पॉइंट समझ में नहीं आया? Yes, sir, इस फंक्शन को राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे ऐसे 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 करोगे तो वन मिलेगा. Yes, sir. लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे इधर ऐसे 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 तो क्या मिलेगा आपको? टू मिलेगा. अच्छा और क्या देखना है हमें? एक्स इक्वल टू फोर पे. एक्स इक्वल टू फोर पे आपके पास में LHL तो है पर RHL नहीं. बट RHL नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा? X equal to 2 पे देखें क्या है. देखो 2 पे देखो तो 2 पे क्या है? देखो अगर आप LHL भी अप्रोच करोगे तो ये भी दो के पास जाएगा. RHL अप्रोच करोगे तो ये भी जाएगा. और ये कितनी वैल्यू देगा आपको? 1 दे देगा. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. क्योंकि इसकी LHL equal to V1 है और RHL equal to V1 है. ठीक है? Yes. अब इसी पार्ट को अगर सीबीएसई के लिए आपको बच्चा सॉल्व कर रहा होता तो इसी को कैसे करता? इसी फंक्शन को लिखता यहाँ पे 1 a plus h a minus h लिख करके इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेता वो. Yes. ठीक है? Yes. Okay. समझ में आ गया? Yes. एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा. देखते हैं क्या है. K element integer. Remember this. ठीक है? जब भी आपके पास fractional number की बात हो या आपके पास greatest integer की बात हो तो वहां सब में हम क्या बात करेंगे? K element one. I. तो इसका मतलब क्या होता है? Minus one, minus two, minus three, one, two, three, four, five, six, seven ही होता है ना? मतलब इंटीजर होता है, पॉइंट नहीं होते हैं इसमें. ठीक है? यस. ओके. अब देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू के माइनस की वैल्यू निकालनी है. लिमिट एक्सटेंडिंग टू के प्लस की वैल्यू निकालनी है. लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन माइनस. जब भी ऐसे लिखते हैं इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शनल पार्ट. देखते हैं क्या है ये फ्रैक्शनल पार्ट. इसमें क्या मतलब होगा बताते हैं. एक एक्स प्लस निकालना है आपको. ठीक है? ओके. अब ये वैल्यूज निकालना है लिमिट. ठीक है? तो देखो इसकी वैल्यू तो सबसे पहले तो इसका ये तरीका है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स टाइप का दिया हुआ. मतलब एक नंबर लाइन दिया हुआ आपको खाली है. ठीक है? ओके. नंबर लाइन पे कोई वैल्यू के दिया हुआ है. के का नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा? के प्लस वन होगा. और के का प्रीवियस वैल्यू क्या होगा? के माइनस वन होगा. तो अब जब इसके लेफ्ट हैंड से अप्रोच करोगे निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? जस्ट पहले की जो भी वैल्यू होगी यही वैल्यू है खाली इसके पास में. बीच की वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि k इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर है. ये कितना आ जाएगा आपका? k माइनस वन. अगर प्लस की बात करोगे तो उसके राइट हैंड की ये वैल्यू जो है वो यही वैल्यू है. कितना हो जाएगा? ये k प्लस वन हो जाएगा. ठीक है? ओके. और ये आपका सिंपल x है एक नंबर लाइन है. एक्सटेंडिंग टू माइनस वन है.
इस चीज को छोड़ के इसको रहने दो, क्योंकि कंफ्यूज करेगा हमको आगे अभी, ठीक है। इसकी वैल्यू वन होगी, इसको छोड़ दो क्योंकि अभी कंफ्यूजन बढ़ जाएगा यहाँ से हमारा। इसको आगे देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं ये क्या है। इस फंक्शन को हमने डिस्कस किया हुआ पहले, ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं फिर उस वाले को बाद में करते हैं, ठीक है। फंक्शन है, फंक्शन को हटा, फंक्शन है ना, फंक्शन है ना। देखो पहले इसको कर लेते हैं फिर उसको करते हैं, ठीक है। कोई नहीं, मैं दोनों ग्राफ बना ही लेते हैं, एक मिनट का काम है। fx इक्वल टू फ्रैक्शनल x का जो ग्राफ होता है, हमने शायद डिस्कस किया होगा पहले, ये ऐसे होता है, जीरो से स्टार्ट होता है और वन पे जाकर के ये क्या हो जाता है, ये इनडिटर्मिनेंट हो जाता है। फिर ये वन से स्टार्ट होता है और जीरो टू पे जाके इनडिटर्मिनेंट हो जाता है, ये टू पे स्टार्ट होता है थ्री पे जाकर के इनडिटर्मिनेंट हो जाता है ये, ठीक है। ये इस फंक्शन का ग्राफ होता है, ठीक है। हेलो, वन टू थ्री एंड डॉट 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 डॉट, मतलब ये जो फंक्शन है आपका वो पीरियाडिक फंक्शन है। क्या है तरीके का? पीरियाडिक टाइप का फंक्शन है जो कि जीरो टू वन इंक्रीज करता है, फिर अचानक से वो जीरो आ जाता है, ठीक है, और फिर जीरो से स्टार्ट करता है, नेक्स्ट पीरियड यहीं से स्टार्ट करेगा, फिर यहीं से स्टार्ट करके मैक्सिमम पे जाएंगे, ठीक है। तो ओके, तो ये फंक्शन होता है इसके लिए। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है, तो वन पे निकालनी है हमको, वन पे माइनस लगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड से हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसमें जो आपके वैल्यूज होती हैं वो आपके पास सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं, क्या मतलब मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू जो कुछ भी है। तो इसमें आप देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू निकाल रहे होते हो तो क्या वैल्यू निकलेगी आपकी, ये यहाँ अप्रोच कर रहे हैं ना हम, और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा ये कांस्टेंट रहता है 0 1 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। राइट हैंड से अप्रोच करोगे तो कितनी, राइट हैंड से करोगे अप्रोच कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगी इसकी, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकाल सकते हैं इसकी हम, यस क्लियर। अच्छा, इसी तरीके से जो आपका सिंगम एक्स की वैल्यू जो होती है, फंक्शन होता है, वो हमने डिफाइन किया था, देखा था, वो क्या डिफाइन किया देखा था हमने, वो ये होता था पॉजिटिव नंबर के लिए और नेगेटिव नंबर के लिए ये होता था, देखा था हमने, याद है, यस सर, ठीक है। अब एक्स आपका पॉजिटिव में देखना है, मतलब वन के प्लस में इसकी वैल्यू देखनी है, तो वन के प्लस में देखो या माइनस में देखो, कहीं पे देखो, ये वन है, टू है, थ्री है, इन सब में क्या मिलेगी इसकी वैल्यू, वन ही मिलेगी, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन तभी आपको दिमाग में आएंगे, बनेंगे, जब आपको इन दोनों का ग्राफ पता होगा। अगर ग्राफ या प्रॉपर्टी नहीं पता है इनकी तो फिर ये आपको एग्जाम में अगर आ गया तो परेशान करेंगे ये, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जरा एक पॉइंट बचता, इसी तरीके से आपका जो सिग्नम फंक्शन था उसमें आप 1 2 3 4 5 जो भी नंबर दिया उसे वैल्यू निकाल ले जाओगे इजिली, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स की, क्या बात करते हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स की बात करते हैं, और दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इनको निकालना है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स निकालना है, ठीक है, और दूसरा हमको निकालना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स निकालना है। क्या हो बेटा, हेलो हेलो,
तो मैं सुन नहीं पाई आपने क्या बताया। हम क्या कर रहे हैं कि अब हमको दो नए इक्वेशन दिए हुए हैं, फंक्शन हैं, जिनके वैल्यू निकालनी है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू मॉड ऑफ साइन एक्स, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और लिमिट एक्स टेंडिंग पाई बाई टू मॉड कॉस एक्स की वैल्यू। देखो क्या कैसे इसको निकाल सकते हैं, साइन एक्स डिफाइन है कि नहीं है, कॉस एक्स डिफाइन है कि नहीं है। तो साइन एक्स का कर्व हमने पीछे भी देखा था, अब दोबारा बना लेंगे इसको हम। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें क्या करना है, देखो क्योंकि हमें एलएचएल आरएचएल निकालना नहीं, हम खाली देख लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, अगर आप इसको पाई माइनस से अप्रोच करते हो तो क्या मिलेगा आपको, वन मिलेगा, और पाई प्लस से अप्रोच करते हो तो मिलेगा। इन दिस केस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल ना, ठीक है। अच्छा लेकिन वैल्यू कितनी होगी इसकी, वन नहीं होगी। देखो क्या निकालना है हमको, मॉड ऑफ साइन एक्स है ये, ठीक है। तो मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर जब निकालना होता है तो या तो मैक्सिमम वैल्यू होती है या फिर वो बिल्कुल मिनिमम पे गिर जाता है, ठीक है। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो 0.9999999 भी निकालना है, तो जब भी मॉड की निकालोगे इसके तो क्या मिल जाएगा, वैल्यू 0 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मतलब इस जैसे हमने पीछे किया तो वो बेटा 0 मिलेगा। हाँ, मॉड ऑफ साइन एक्स है ना ये, सिर्फ साइन एक्स होता तो वन मिल जाता हमको। फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हाँ, ये। वो या तो आपको मैक्सिमम वैल्यू वन देगा, इसके अलावा बाकी जितने भी वैल्यूज होंगे वो सब क्या देंगे, 0 देंगे, ठीक है। तो इसको लेफ्ट हैंड से अप्रोच करोगे तो भी 0.99999 ही पहुंचोगे आप, और इसकी वैल्यू पुटअप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा, ठीक है। जीरो पर सर इसे 5/2 पे तो 1 नहीं आ रही थी। पाई बाई टू पे वन आ रहा है ये, बट पाई बाई टू पे तो हमें नहीं निकालना, पाई बाई टू पे अप्रोच कर रहा है ना ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाई बाई टू माइनस एच चल रहा है ना, पाई बाई टू माइनस एच पे वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 0.99999 ही मिलेगी ना, दिस इज नॉट इक्वल टू वन। और जब ये इक्वल टू वन नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू वन है, मिनिमम वैल्यू 0 है, ठीक है। ओके, तो जीरो आएगी इसकी हाँ, अगर वैल्यू यहाँ पे ये मॉड ना लगा होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना होता ये, तो 1 आ तो वन जाती। मिल जाता हमको ये, ठीक है। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ओके, नाउ लेट अस सी कास वाला टर्म। कास वाला थोड़ा ज्यादा है वो है, हालांकि कभी एग्जाम, ये बच्चा जब आता है एग्जाम में तो बच्चा गलत करके आता है इसको, साइन वाला, ठीक है। तो क्यों गलत करके आता है, क्योंकि उसको साइन का तो याद रहता है कि वन मिल गया हमको, लेकिन वो इस चीज को भूल जाता है कि यहाँ पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, इसलिए वो गलत करके आ जाता है। कास का देखो क्या होता है, कैसे ग्राफ होता है, कास का ग्राफ ऐसे होता है आपका, ठीक है बेटा। ठीक है, अब हमें क्या करना था, ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई बाई टू कॉस माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से,
अगर आप इसको अप्रोच करोगे एलएचएल, कहाँ से अप्रोच करोगे, एलएचएल एलएचएल अप्रोच करोगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 0 पॉइंट समथिंग आएगी ना, सर, ये आएगी ना इसके, ये इक्विवेलेंट, ये वैल्यू आएगी ना ऐसे ऐसे। सर, तो जब 0 पॉइंट समथिंग हो गई तो एलएचएल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो अप्रोच एक्चुअली 0 ही हो जाएगा। अच्छा, दूसरी वैल्यू इस वाले सेक्शन के लिए 0 मैक्सिमम होगा, -1 मिनिमम होगा, है ना। इस वाले सेक्शन के लिए 1 मैक्सिमम था, 0 मिनिमम था। यस सर, इस वाले सेक्शन के लिए 0 मैक्सिमम होगा, -1 मिनिमम होगा। यस सर, अब यहाँ पे अगर राइट हैंड से अप्रोच करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेटली -0 पॉइंट समथिंग आएगी ये, ठीक है। तो हमें पता है माइनस क्यों आएगी? बेटा वाई एक्सिस पे रहेगा ना इधर ये, ठीक है। आप आर एच एल अप्रोच करो ना, इस साइड से अप्रोच कर रहे हो ना, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में जाएगी ना, ये वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ वाले को पे, एल एच एल माना, नीचे वाले को आर एच एल माना है। बेटा लेफ्ट हैंड साइड से पाई बाई टू माइनस एच करोगे तो एल एच एल हो गया, अब पाई बाई 2 प्लस एच करोगे तो आर एच एल हो गया। नीचे वाला आर एच एल लिया मेरे को हाँ लाइन के। बिल्कुल, तो ऊपर नीचे ने फंक्शन को लेके चल रहे हैं यहाँ पे। अब पाई बाई 2 के आगे की वैल्यू जो होगी कहाँ जाएगी, यही देगी ना आपको, ये यही मिलेगा ना आपको ये। तो अब आपको आर एच एल अप्रोच करना, तो ऐसे अप्रोच करोगे ना इसको साइड पे आके, तो 0.1 के पास जाएगा ये। अब अगर मॉड ना होता तो ये भी 0 दे देता आपको, लेकिन चूंकि मॉड है इसलिए क्या दे देगा ये, आर एच एल आपको -1 दे देगा ये। तो चूंकि इस केस में एल एच एल इक्वल टू 0 है, आर एच एल इक्वल टू -1 है, देयर फॉर लिमिट डज नॉट, ठीक है, समझ में आया। तो मेरे को थोड़ा आर एच एल वाला पार्ट से आपने कहा, पहले तो नीचे से लेंगे आर एच एल को। हमने कहा इम्पोर्टेंट नहीं है कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो दोबारा बना रहा हूँ, अब कॉन्सेप्ट से डिबेट नहीं होना है अपने को, अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट से डिबेट हो जाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। देखो क्या है, जीरो हो गया, पाई बाई 2 हो गया, पाई हो गया ये। अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम, सबसे पहले 0 टू पाई बाई 2 के लिए, ये बनेगा ठीक है। अब पाई बाई 2 से जैसे वैल्यू बढ़ेगी तो कहाँ जाएगा ग्राफ, ये जाएगा ना। तो एल एच एल का मतलब पाई बाई 2 से छोटी वैल्यू के लिए हमें निकालना था, तो पाई बाई ये 90 डिग्री था, मैं 89.9999 डिग्री पे वैल्यू जानना चाहता हूँ। पाई बाई 2 पे 0 था, 89.99 की वैल्यू यही मिलेगी ना कहीं ऐसे आपको, ये तो कहाँ मिला, ये पॉजिटिव एक्शन से मिला ना, ये कितना होगा, 0.00001 होगा करीब, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा तो क्या वैल्यू मिल जाएगी हमको, 0। अब आर एच एल चाहिए हमको, आर एच एल चाहिए मतलब 90.0001 डिग्री पे चाहिए हमको, 90.0001 डिग्री की वैल्यू कहाँ, यहाँ मिलेगी ना, ये वैल्यू कहाँ मिलेगी, यहाँ ऐसे क्रॉसपोंडिंग मिलेगी ना हमको इस फंक्शन पे, नीचे मिलेगी ना ये आगे नहीं देखेंगे -0.000। उस साइड से, मतलब दूसरी साइड नहीं जाएगा सर, ये आरो जो आपने सर अभी बताया। दूसरी साइड कहाँ जाओ, ले जाओगे इसको यहाँ ले जाओगे, इधर इस साइड यस सर, है। अरे बेटा वैल्यू तो आप वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही दोगे ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखते हो आप, 0 -1 लिखोगे ना, यस सर, -1 कहाँ से आया आपका, वाई यहीं से आया ना ये, यस तो सर, आप इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही तो मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ये इस लाइन पे मत जाओ,
देखो ये लाइन तो सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि वैल्यू कैसे अप्रोच कर रहे हैं हम। ये देखो ये था कर्व हमारे पास में, तो राइट हैंड साइड में पाई प्लस पे जाएंगे तो कौन सी वैल्यू मिलेगी हमको? ये मिलेगी, ये मिलेगी, ये मिलेगी, ये मिलेगी, ये मिलेगी, ये मिलेगी, यही मिलेगी ना। यस तो सर, फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई? ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो यस सर, जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, कि इसकी वैल्यू घटती जा रही है। कहाँ जा रही है? जीरो की तरफ जा रही है ना। ये यस सर, बस समझ रही ना। ये यस सर, अब चूंकि ये बिल्कुल जब यहाँ पे चले जाओगे आप यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ पे? -0.001 ना, यस सर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो मैक्सिमम माइनस वैल्यू आपको -1 मिल जाएगा। समझ आ गया। आ गया ना। कुछ और फंक्शन देखते हैं जो कि इस टाइप के होते हैं, फिर हम देखते हैं कि जो है और क्या क्या है। इन फंक्शन को कहीं पेज पे नोट कर लो, कई बार काम आएंगे एग्जाम में डायरेक्टली, क्योंकि हमें कई बार चीजें भूल जाती हैं। एक्स टेंड टू 0, 1/x है, एक क्वेश्चन और है, लिमिट मॉड x/x है, एक क्वेश्चन और है, लिमिट मॉड x-a/x-a है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, एक्सटेंडिंग टू ए है, एक्सटेंडिंग टू 0 है, e^1/x है। ठीक है, ओके। अब देखो ये बताना है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0/1x है। ठीक है, ये फंक्शन यस है, ये सारे फंक्शन ऐसे हैं जिनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, क्या है ये? ये सारे फंक्शन यस, ऐसे हैं जिनकी इसमें लिमिट जीरो हो एग्जिस्ट जाएगा अगर हम नहीं इनकी करती। वैल्यू डालें। हाँ, तो वैल्यू पुट अप करोगे, RHL की वैल्यू पुट अप करोगे तो प्लस इन्फिनिटी मिलेगा, LHL की वैल्यू पुट अप करोगे तो माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, RHL, और तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इनकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये सारे फंक्शन वही है जिनकी वैल्यू एग्जिस्ट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, फिर भी एक बार हम बना के देख लेते यस हैं। इसमें फंक्शन को डिफाइन करते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। एक्स लेस देन वन के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए इसकी वैल्यू 1/x 1 हो जाएगा, और इसके लिए वैल्यू -1 हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा RHL, ये आपका बन जाएगा LHL। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एक्स हमने लेस देन 0। इसमें 1 डाला तो इसको दिमाग लगाओ, सोचो, नहीं समझ में आया तो सर, जैसे बताओ। हम फंक्शन लोग को हमने आपको ओपन करना सिखाया हुआ था ना, मॉड एक्स दिया हुआ है, ये पॉइंट एक्स हो गया ना। अगर इससे आगे इस साइड जाएंगे तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, इस साइड में जाएंगे तो ये नेगेटिव में खुलेगा। ठीक है, हेलो हेलो। ठीक है, तो जब मॉड एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका x/x = 1 नहीं हो जाएगा ये, और जब एक्स लेस देन 0 होगा तो -x/x = -1 हो जाएगा। हाँ? क्या हुआ? ठीक है, उसी तरीके से, हाँ उसी तरीके से ये भी है। इस मार्ट को ओपन करोगे एक्स ग्रेटर देन ए के लिए तो ये आपका पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, तो x/x ये आपका 1 मिल जाएगा। एक्स लेस देन ए के लिए अगर मतलब ए माइनस के लिए करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, ये आपका RHL हो जाएगा। एक्स ग्रेटर देन ए के लिए ये आपका LHL हो जाएगा, एक्स लेस देन ए के लिए। एक्स ग्रेटर देन ए, लेस देन ए का मतलब क्या हो गया? ये सिंपली ये ए प्लस हो गया, ये ए माइनस हो गया ना। ओके,
उसी तरीके से ये वाला फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, ये वाला फंक्शन आपका ऐसे बन जाएगा। देखो इस वाले फंक्शन को थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि ये तो परेशान करेगा। ये e 1/0 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये e 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। ये इन्फिनिटी प्लस के लिए, मतलब अगर हम आर एच एल की बात करें, क्या करें, आर एच एल, आर एच एल, तो ये आपका e पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। एल एच एल की बात करें तो मतलब माइनस अप्रोच करेंगे तो e पावर माइनस जीरो पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस जीरो मतलब e पावर माइनस इनफिनिटी मतलब 1/ e पावर इनफिनिटी मतलब 1/∞। 1/∞ क्या होता है, जीरो। तो इसका आपका आर एच एल हो गया इनफिनिटी और एल एच एल हो गया जीरो। yes, ये भी क्या हो गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये सारे फंक्शन अगर हमें ये याद रहे तो अच्छी बात है, कैसे खोला हमने, ना भी याद रहे तो हमें दिमाग को होना चाहिए कि ये सारे लिमिट जो है समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। yes, sir, आ ना लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू एफ एक्स If it exists where fx is defined as x minus mod x or 3x minus 5, x less than 2, x equal to 2, x is greater than 2. ठीक है, इसको निकाल के बताओ जरा कि एग्जिस्ट करता कि नहीं करता। Limit does not exist. Limit does not exist. Okay. देखते हैं। देखो अब हमें एल एच एल निकालना है, एल एच एल निकालना है x टेंडिंग टू टू, तो मीन्स टू माइनस की बात करेंगे हम, मीन्स x इज लेस देन टू की बात करेंगे हम, ठीक है। अच्छा x इज लेस देन टू की बात करेंगे तो ये मॉड x यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। तो जो लाइन नॉर्मल मॉड x नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड लगा हुआ ना, देखो ये मतलब नॉर्मल मॉड है, मतलब से ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए तो स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ तो स्क्वायर ब्रैकेट ही इस्तेमाल करो, ठीक है। अब कर लो
एनएचएल और आरएचएल तो इक्वल आ रहे, बट सिर्फ एफएक्स के इक्वल तो नहीं कोई आएगा। मतलब, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एलएचएल इक्वल टू आरएचएल है तो लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी। बट उसको उसके भी इक्वल नहीं होना चाहिए, एफएक्स के इक्वल मतलब। अभी उसके इक्वल होने की बात नहीं है हमारे पास यहाँ। तो दोनों आ रही हैं इक्वल, एनएचएल और आरएचएल वन वन आ रहे हैं। वन वन आ गए ना, इसका हाँ मतलब हुआ कि इस फंक्शन की लिमिट जो है आपकी वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, यस। ओके। वो फर्दर केस आगे यूज करेंगे कि वो इक्वल नहीं है, एल एच एल आर एच एल इक्वल है, अगर वो लिमिट के वैल्यू के इक्वल नहीं तो क्या केस के बनेगा, वो अगले नेक्स्ट केस है। ठीक है, अभी तक के लिए अपना केस ये है कि अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, इक्वल है, तो इसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब बाकी फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होगी वो आगे देखेंगे, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, डिफरेंशिएबल होगा इस पॉइंट पे कि नहीं होगा, वो सब आगे की बात है। ठीक है, अभी तक के लिए एल एच एल इक्वल टू आर एच एल वो दोनों इसके लिए वन आ रही है। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और बना दूं, फाइंड सो दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू एफ एक्स एग्जिस्ट where f x equal x plus 3 and x plus k। निकल जाएगा 2 मिनट में, 1 मिनट में निकाल दो। फाइंड क्वेश्चन के सो दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू एफ एक्स एग्जिस्ट, तो अगर इसका एपेक्स लिमिट एग्जिस्ट करता है तो मतलब क्या हो गया, बस दोनों इक्वल दोनों को पहले पुटअप करो कि आएगा कि यहाँ सॉल्व होकर निकल जाएगा। एच एल टू की जगह टू पुटअप कर दो तो 2 × 2 + 3 हो जाएगा एल एच एल, आर एच एल आपका 2 + k हो जाएगा, जाएगा। k = 5 हो गया आपका आंसर। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो बेहद सिंपल होते हैं। तो देखो, अब हमने अब तक क्या समझ लिया, हमने समझ लिया कि कुछ फंक्शन है, उनके ग्राफ होंगे, उनका एल एच एल आर एच एल बिना कुछ सॉल्व किए हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देख करके समझ में आ गया। यस। ओके, नाउ तो इसी को लैंग्वेज के टर्म में लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिससे कि हमें सिस्टमेटिक तरीके से याद रहें। ठीक है, कि कब आपका लिमिट एग्जिस्ट करता है, कब नहीं करता है। ठीक है, हमने सारे केस देख लिए हैं, लेकिन एक बार उनको लिख लेंगे तो चीजें आपको आगे काम आएंगी। ठीक है, क्या है, देखो, फॉर लिमिट एग्जिस्टेंस हर लिमिट एग्जिस्टेंस फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज में अराइज, नंबर वन इसको बोलते हैं लेफ्ट टेंडेंसी सेम एज इट्स राइट टेंडेंसी। क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट टेंडेंसी इज सेम एज इट्स राइट टेंडेंसी। अपने वर्ड में एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। आरएचएस ठीक है, यस इन दैट केस योर लिमिट एग्जिस्ट।
in that case limit exists. Case number two, when left tendency is not the same as its right tendency. Hence, LHL does not equal to RHL means limit does not exist. It means limit x tending to a fx does not exist. Case number three, when left tendency oblique and R right tendency is not fixed. Is not fixed, then also limit does not exist. इसके एग्जाम्पल हमने पीछे देखे हुए थे. एक एग्जाम्पल था हमारे पास में एफ एक्स इक्वल टू एक्स का बनाया था हमने ये वाला ग्राफ वन तक के लिए. इसमें RHL आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, फिक्स नहीं था. एक हमने इसी तरीके से देखा था राइट लेफ्ट हैंड वाले के लिए. ठीक है, ओके. तो ये तीन केस बनते हैं इसमें जो कि हमें दिमाग में रखने होते हैं. ठीक है, ओके. नाउ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन कौन से हैं उनको देखते हैं हम. ठीक है, हमने डिस्कस किया था तो अब उनको डिटेल में देखते हैं कौन कौन से फॉर्म है. तो लिमिट क्या है, उसका RHL क्या होगा, LHL क्या होगा, हमको समझ में आ गया ना. ठीक है, अब एक्चुअली में एग्जाम में जो हमसे पूछा जाने वाला है वो इन्हीं में से कुछ पूछा जाएगा. तभी तो आप रनिंग लिमिट की बात करोगे. तभी तो आपको स्पेशल रूल की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, देखते हैं कौन कौन से फॉर्म है और कैसे इनको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो ज्यादातर केस में आपका सीरीज का एक्सटेंशन करके एल हॉस्पिटल रूल लगा करके निकल जाता है. तो इसमें लिख लो इफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स इक्वल टू ए व्हाइल limit x tending to a fx leads to one of the following forms 0 by 0 number 1 number 2 infinity by infinity number 3 infinity minus infinity number 4 1 power infinity
नंबर फाइव जीरो पावर जीरो, नंबर सिक्स इन्फिनिटी पावर जीरो, एंड नंबर सेवन इन्फिनिटी इंटू जीरो। वन की पावर इन्फिनिटी, हाँ सर वन नहीं लेंगे, कहाँ लग क्यों वन लोगे, हम कुछ भी पावर डालते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अगर वन पावर, चूंकि इन्फिनिटी अपने आप में ही डिफाइन नहीं है ना, तो वन पावर इन्फिनिटी कहाँ डिफाइन कर लोगे आप। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, यस वो चीजें हमें और अच्छे समझ में आएंगी क्या क्या है। एक बार मैं जरा फॉर्म को चेक कर लूँ। जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जीरो पावर जीरो, वन पावर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी पावर जीरो। ठीक है, ठीक है, ओके ना। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हैं, इसका हमने एक एग्जाम्पल पीछे भी देखा था, इसका सिंपल एग्जाम्पल भी देख लिया हमने। नोट जीरो हो जाएगा, इन्फिनिटी जा सिंबल नॉट ए नंबर। ठीक है, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी इज मीनिंगलेस, क्या है ये, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, बट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी हैज मीनिंग। ठीक है, ध्यान रहे हमें कि हम अब लिमिट में जो कुछ भी बात कर रहे हैं वो हमारी बात किस पे हो रही है, वो टेंडिंग पे हो रही है, अप्रोचिंग पे बात हो रही है पूरी। ठीक है, ओके, तो अब इन्फिनिटी का को हम पेपर पे प्लॉट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी इज इनडिटर्मिनेट होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इनडिटर्मिनेट होता है। ओके ओके, अब देखते हैं व्हाट इज एल हॉस्पिटल रूल, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल टू डील विद ऑल दीज डिफिकल्टीज। ठीक है, मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं उन्हें जब पहली बार लिमिट पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, इलेवेंथ में ट्वेल्थ में इंट्रोड्यूस करता हूँ उनको, तो मैं उनको उसी टाइम पे एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा देता हूँ। वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी इसलिए कर लिया था, यहाँ पे तो देखना पड़ेगा पूरा ना। एल हॉस्पिटल रूल,
जब बीमारी समझ में ना आए तो कहाँ जाओ, हॉस्पिटल। ठीक है, दिस रूल स्टेट्स दैट, दिस रूल स्टेट्स दैट इफ limit extend to a extend to a effects upon GS reduces to 0/0 or infinity/∞ then differentiate numerator and denominator टिल, ये ध्यान रखना, एक बार में नहीं हो ना दोबारा करेंगे, दोबारा नहीं हुआ तो तीसरी बार करेंगे, ठीक है। टिल दिस फॉर्म इज रिमूव्ड, ठीक है, जीरो बाय जीरो वाली या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाली फॉर्म, दैट इज लिमिट extending to a fx upon gx is equal to limit extending to a fx dash f dash x upon g dash x This again equal to dot 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 dot. जब तक ये फॉर्म चेंज ना होगा तब तक इसको डिफरेंशिएट करते रहेंगे हम, ठीक है। कभी तो प्रोवाइड करेगा, दिस प्रोवाइडेड द लेटर लिमिट exists, but if it again take, तो अब उसी चीज को है मैं लिख लेता हूँ, but if it again take take form 0/0 or infinity/∞ then उसी चीज को जो लिखा हमने उसे दोबारा लिखेंगे, limit extending to a fx gx equal to limit extending to a fx upon gx is equal to limit extending to a एक डबल डैश एक्स अपॉन डबल डैश एक्स, ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल 0/0 आर इंफिनिटी/∞ फॉर्म इज रिमूव्ड। ठीक है, तो इट मे बी नोटेड दैट एल हॉस्पिटल रूल इज अप्लीकेबल टू ऑनली टू इनडिटर्मिनेंट फॉर्म दैट इज 0/0 एंड इनफिनिटी/∞, ठीक है, बाकी और किसी के लिए नहीं है ये।
ठीक है। यस अब एक एग्जांपल देते सर, हैं जैसे फटाफट। साइन एक्स पर एक्स था तो हम इसमें लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लग जाएगा, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। एक्स के नीचे खत्म हो जाएगा, ऊपर आपका कॉस सिक्स हो जाएगा, और कॉस सिक्स के जीरो वैल्यू पुट अप करोगे आंसर आपका वन हो जाएगा, ठीक यस है। इवैल्यूएट इवैल्यूएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स पावर सिक्स माइनस 44 एक्स माइनस 16 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स माइनस 12। निकाल डालो सॉल्यूशन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर सिक्स माइनस 24 एक्स माइनस 16 एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स माइनस 12 एट एक्स इक्वल टू टू। एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 64 जीरो हो जाएगा एंड एट एक्स इक्वल टू टू जी एक्स कितना हो जाएगा, ये भी आपका जीरो हो जाएगा। सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज 0/0 फॉर्म, सो यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल वी विल हैव लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये आपका 6 x^5 हो जाएगा ना, माइनस 24 हो जाएगा। जी डैश एक्स अपना 3 x^2 + 2 हो जाएगा। अच्छा अब नहीं आएगा, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 6 x^5 - 24 अपॉन 3 x^2 + 2, ठीक है। वैल्यू पुट अप कर दो। इसको जैसे सर हम इसको ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे जैसे सर हम नॉर्मल वाला करते ना थे ना मैथ। ना 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो डिवाइड बाई डिनोमिनेटर नॉमिनेटर नहीं करना है, दोनों फंक्शन अलग अलग लिखेंगे ना, इसीलिए ओ यस सर, एक्स जी एक्स दोनों को अलग कर दिया गया है। इसीलिए यस सर, ये एफ एक्स डैश है ऊपर वाला, नीचे वाला जी एक्स डैश है, ठीक यस है। हाँ अदरवाइज तो फिर करते रहोगे। ये कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट अप कर दो तो 6 × 2 2 पावर 5 - 24 हो जाएगा, 3 × 2² + 2 हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करके निकाल लो तो बता दो, कितना 87/7। है 87 नहीं है, नीचे आपका 2 2 4 3 12, 12 2 14 हो जाएगा, ऊपर 2 2 पावर 5 है 32 हो जाएगा, बत्तीस को फिर 6 से गुणा मैंने वन चार्ज को सिक्सटी एट आ लिया जाएगा, वन फिर वन सिक्सटी सिक्सटी एट बाई एट फोर अपॉन 14 14 12 168 होता है, तो टोटल 12 हो जाएगा। इट इज गोइंग टू बी 12 आंसर, ठीक है। यस ओके कुछ फार्मूले हैं, जरा उनको भी लिख लेते हैं, जो
क्योंकि बिना इनके तो बाकी सवाल नहीं बन पाएंगे हमसे, ठीक है। फ्रिक्वेंटली यूज्ड सीरीज एक्सपेंशंस, इसमें बहुत सारे आपको याद भी होंगे, आई होप सो। फ्रिक्वेंटली यूज्ड सीरीज एक्सपेंशन, और नहीं याद है तो कल की क्लास से पहले ही आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। नंबर वन, e के पावर x का वैल्यू क्या होता है बोलो, 1 प्लस x अपॉन x फैक्टोरियल 1, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। नंबर टू, a पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, ये आपका 1 प्लस एक्स क्या है, क्या आपको आया क्या बेटा, क्या कंटिन्यू करें ना, इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल 1 प्लस लॉग ए को पहले लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहे, कांस्टेंट है, स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस लॉग ए का क्यूब अपॉन एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट। नंबर 3, यहाँ रहेगा ए इज एलिमेंट ऑफ आर है, 1 प्लस x पावर n का एक्सपेंशन होता है 1 nx अपॉन फैक्टोरियल 1 n n माइनस 1 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 आपका n n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x क्यूब dot 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 n element r and not x is less than 1। number 4 hota hai log 1 plus x ka expression, ye hota x x square by 2 x cube by 3 x 4 by 4 dot dot dot। number 5, x power n upon a power n, इस एक्सप्रेशन को हमने यूज किया था पीछे सवाल लगाते हुए, x power n minus 1 x power n minus 2 a x power n minus 3 a square एंड डॉट 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 तब तक ले जाएंगे जब तक कि x के पावर खत्म ना हो जाए और a पावर माइनस, ठीक है। 5 हो गए, नंबर 6 है 1 प्लस x पावर 1 बाई x है, इसकी वैल्यू होता है e 1 माइनस x बाई 2 प्लस 11 एक्स स्क्वायर अपॉन 24, ठीक है। अब देखो कहीं पे 1 प्लस 1 बाय एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको सिंपली ई लिख देंगे हम, तो बाकी एक्स की वैल्यू 0 दिया हुआ है, एक्सटेंडेड टू 0, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, खाली उसका आंसर ई आ जाएगा, ठीक है। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स पावर एक्स निकालना है हमको, ठीक है, 1 minus x by 2 plus 11 x square है। हाँ, देखो अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन निकालना होता है हमको, लिमिट x tending to 0 1 plus x upon 1 by x, तो 0 put up करने पे क्या बन जाता है, ये 1 power infinity बन जाता ना, ये जो कि सॉल्व नहीं हो सकता था। लेकिन अगर इस एक्सपेंशन को लिख दें यहीं पे हम, लिमिट x tending to 0 e 1 minus x by 2 11 x स्क्वायर अपॉन 24, हमको इवन अगर ये भी दो ही याद रहे तो भी काम चल जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक
ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे एक्स जीरो रखना जीरो है, खाली ई आंसर आ जाएगा इसका। दिस इज हाउ दिस आर गोइंग टू हेल्प अस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन, सीरीज नंबर सेवन है। ये सब वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, याद है नहीं? देखा आपने साइन इसकी वैल्यू क्या होती है? सर साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा? वन अंडर रूट वन माइनस कॉस ना 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 ना, वो तो 10th का बच्चा, 11th का बच्चा बताता है, 12th का बच्चा थोड़ी बताएगा। वो एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये वाले फॉर्मूले नहीं सीखे थे 12th में से, मतलब अच्छा ऐसा सर ये आपने जो भी बताया है अभी तक सिर्फ इनमें से कोई वाली भी सीरीज ऐसी नहीं सीखी। ओके, ये सब आपने फर्स्ट टाइम देखा है। यस सर ओके, देन वी नीड टू लर्न दिस, रिमेंबर दिस, कॉस एक्स इक्वल टू, मुझे पूरी सीरीज तो याद नहीं होती है कई बार, लेकिन मुझे इतना याद रहता है कि उसका फर्स्ट टर्म क्या है, ठीक है। अब जैसे कहीं पे कोई टर्म दिया होता है, हमारे पास एक्स दिया हो, क्या दिया हो, एक्स एक्स माइनस साइन एक्स की वैल्यू निकालनी हो, क्या निकालनी हो, माइनस साइन लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टाइप का केस हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स अब इस केस में हम जीरो जीरो पुटअप करके, जीरो जीरो आकर यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कहीं पे कोई और सिचुएशन बन रही हो जहाँ पे एक्स नीचे आ रहा हो, ये टर्म क्या आ रहा हो, नीचे आ रहा हो इसी टर्म को, ठीक है, यस और ऊपर एक्स क्यूब समथिंग दिया हो हमारे पास में। अब सॉल्व करना होता है इसको, ये 0/0 बन जाता है ना, तो यहाँ पे अगर यस इसकी वैल्यू हम पुटअप कर दें तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, और नीचे एक्स क्यूब वाला टर्म माइनस लेकर के यहाँ पे 1/समथिंग आ जाएगा, तो हमें लिमिट मिल जाएगी इजिली इसकी। तो हमें सिर्फ ये टर्म याद रहते हैं कई बार कि पहला पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, ठीक है। टू स्टेप तक मैं यस जनरली याद रखता हूँ, ठीक है, कि लिमिट वगैरह निकालने में काम आ जाए हमें। ओके, कॉस एक्स 1 माइनस, तो वो सिस्टमेटिक है दोनों फैक्टोरियल टू, ये 1 से स्टार्ट होता है, ये एक्स से स्टार्ट होता है, एक्स क्यूब 5 7 8 नंबर चल रहा है, या इवन नंबर चलेगा पूरा। इसमें वन है स्टार्टिंग में, पहले तो मतलब सिर्फ एक्स ही था, हाँ, साइन वाले में तो एक्स था स्टार्टिंग में, इसमें वन है। तो वहां पे, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ ना एक्स की पावर, तो एक्स यस एक्स पावर 0 है ना, ये 1 × x पावर 0, एक्स पावर 0 वैल्यू 1 होती है ना, एक्स पावर 0, एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4, एक्स पावर 6, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ एक्स एक्स क्यूब एक्स पावर 5 एक्स पावर 7 चल जाएगा ये 9, 10x=x x³ 1 × 3 प्लस 2/15 x^5 प्लस 17/315 x^7 नंबर 10। फाइव फैक्टोरियल है टू, कहाँ पे? अपॉन 15x की पावर 5 है। 10 में 15x नहीं लिखा है हमने, किसमें 10 बात कर रहे हो ना, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 है खाली, 10 में फैक्टोरियल नहीं आता है, 10 में फैक्टोरियल नहीं होता है, ठीक है। एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 है, प्लस 2/15 x^5 है ये, प्लस 17/315 x^7 है ये, ठीक है। तो इसमें से ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको बिल्कुल याद ही याद होना चाहिए, ठीक है। यस इन तीन के अलावा ई पावर एक्स आपको याद होना चाहिए, ठीक
ए पावर एक्स याद होना चाहिए, बाकी ये तो यूज कर लेते हैं, और लॉग की वैल्यू ये याद होनी चाहिए, बहुत यूज कर यूज पड़ता है इसका भी, हमें बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और इसको तो कई बार ठीक बनाना पड़ता है, तो कई बार सिंपल यूज कर लेते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट में ई पावर एक्स है, ठीक है, ई पावर एक्स है, ए पावर एक्स है जो कि याद होना चाहिए, लॉग एक्स है जो कि याद होना चाहिए, एक्स पावर एन, ए पावर माइनस एन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपको और याद होना चाहिए साइन एक्स का, आपको याद होना चाहिए कॉस एक्स का, आपको याद होना चाहिए टेन एक्स का। ठीक है, उसके बाद में कुछ और सिंपल फॉर्म है जिनकी एक दो वैल्यू याद रहे तो कई बार काम आ जाता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है अगर आईआईटी एडवांस वगैरह में तो हमें फायदा दे जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, इन्हीं का इनवर्स फॉर्म है ये। ओ बाबू हेलो, साइन इनवर्स एक्स क्या है? ये एक्स एक्स वन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल फाइव एक्स पावर फाइव वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल सेवन एक्स पावर सेवन। साइन एक्स का याद है तो ये भी याद हो जाएगा, बस ध्यान इतना रखना है इसमें सारे साइन पॉजिटिव हो जाते हैं, अब प्लस यहाँ पे एक नया फैक्टर आ जाता है। ठीक है, यस एक्स क्यूब में वन का स्क्वायर, एक्स फाइव में वन और थ्री का स्क्वायर, एक्स सेवन में वन थ्री फाइव का स्क्वायर, एक्स नाइन में वन थ्री फाइव सेवन का स्क्वायर। ठीक है, यस साइन इनवर्स एक्स के बाद में टेन इनवर्स एक्स में इम्पोर्टेंट। फाइव एक्स की पावर फोर के बाद प्लस में 61 है। हाँ, 61 एक्स पावर सिक्स है अपॉन फैक्टोरियल सिक्स है, स्क्वायर कर देंगे तो अपॉन टू अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू टू स्क्वायर अपॉन फोर फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर फोर प्लस टू इंटू टू स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर एक्स स्क्वायर सिक्स अपॉन फैक्टोरियल सिक्स। ये सब है, कहीं कभी कभार कोई क्वेश्चन आ जाए फंस जाए तो उसके लिए हमें फॉर्म ढूंढना न पड़े। ठीक है, इसलिए मैं लिखा दे रहा हूँ, बाकी बहुत ज्यादा इनका यूज नहीं हो पाता है सारे बच्चे का, लेकिन जो यूज वाले हैं वो स्टार्टिंग वाले हैं जिनका सबसे ज्यादा होता है। एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स पावर फोर अपॉन 55 माइनस एक्स पावर सिक्स अपॉन 955 डॉट डॉट डॉट। ये
आपका सेक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स फाइव स्क्वायर फोर अपॉन 24 प्लस 61 एक्स स्क्वायर फोर अपॉन 947 है ऊपर 945 हुई है 945 ठीक है अब ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कैसे होंगी सीरीज है तो मतलब काफी अजीब सी है सारी। तो हमने स्टार्टिंग में टिक किए हैं इम्पोर्टेंट वाले, वो आपको याद होने चाहिए। बाकी आप एक दो बार तीन बार देखो, पहले देख लेना क्या था, एक्स को सेक्स में वन है पहले की नहीं, कम से कम दो टर्म तो देख लेना बाकी का, ठीक है। बाकी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादातर मैं याद करवा दूंगा करवाते हुए, लेकिन स्टार्टिंग वाले ये जो पांच फंक्शन छे थे ये वाले, ये जो टिक किए हैं टेन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स और ये ई पावर एक्स ए पावर एक्स लॉग एक्स एक्स माइनस, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर याद रहेगा तो बाकी जो बीच में रिक्वायरमेंट होगी धीरे धीरे करते हुए इसको याद करवा देंगे, ठीक है। निकाल दो को अलग अलग करके निकालेंगे ना, वैल्यू पुट अप कर दो खाली ना। अब तो यहाँ पे 10 2x है, जब 10x के फार्मूले में 2 पुट अप कर दो x की जगह पे, ठीक है। अब 1 माइनस cos 2x स्क्वायर को sin 2x लिख दो, 2 sin स्क्वायर x बन जाएगा, ये देखो ये सिंपली बन जाएगा आपका x 10 2x, जहाँ x था x प्लस x क्यूब था उसमें मैं 2 पुट अप कर दे रहा हूँ। yes. x था तो 2x हो जाएगा, x क्यूब था 2 क्यूब x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 हो 3 था ना, 10 में फैक्टोरियल नहीं होता है, प्लस 2 पावर 5 x पावर 5 अपन 15 हो जाएगा डॉट 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 ना, ये देखो माइनस माइनस 2x 10x दिया है खाली, x प्लस x क्यूब बाय 3 प्लस 2x पावर 5 बाय 15 डॉट डॉट, ये हुआ ना। यस अपन 1 माइनस cos 2x की वैल्यू होती है 2 sin स्क्वायर x,
फोर साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, फोर साइन की पावर फोर एक्स, फोर बाहर कर दो और साइन स्क्वायर एक्स को, स्क्वायर को ऊपर रखो, ठीक है, ये साइन एक्स पावर फोर हो जाएगा सिंपली। यस सर। तो नीचे अंदर साइन एक्स का एक्सटेंशन लिख दो, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एक्स पावर अपॉन फाइव फैक्टोरियल डॉट 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 पावर फोर कर दो, सही है ना। यस अब देखो क्या करना है, यहां से क्या यहाँ पे कॉमन, माइनस नहीं आएगा उसके बाद जैसे डॉट डॉट, कहां माइनस आएगा बेटा, फिर एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल क्या तो क्या माइनस। प्रॉब्लम है बेटा, ये देखो अब आगे के टर्म क्या, मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है ठीक यस सर है। अब देखो यहां से अगर एक्स कॉमन निकाल ले जाए तो एक्स पावर फोर कॉमन आएगा ना, पावर फोर, यस सर, से बाहर यहाँ पे निकाल लेंगे तो और ऊपर से अगर एक्स पावर फोर कॉमन निकालने तो क्या बचेगा ऊपर, तो ऊपर से एक्स पावर फोर निकालना है कॉमन तो एक्स पावर थ्री निकालना पड़ेगा हमको। यस तो सर सिंपलीफाई कर लो उसको, खाली सिंपलीफाई ऐसे करना है कि ऊपर और नीचे एक्स ना बचे, एक एक जगह पे एक एक नंबर खाली बचे ऊपर नीचे, ठीक है। जैसे यहां से एक्स क्यूब कॉमन निकाल ले जाओगे तो फोर बचेगा, वन बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, स्क्वायर अपॉन थ्री फैक्टोरियल बचेगा ना, यस सर, से यहाँ पे एक्स की पावर प्लस डॉट डॉट जो भी बचे वो फोर कोई मतलब नहीं है अब, ठीक है। 5 फैक्टोरियल, इसी तरीके से ऊपर वाले में भी अगर आप माइनस करोगे तो ऊपर वाले में क्या यहाँ पे मिलेगा, एक्स निकालना है सर, एक्स की पावर 4 से, 4 के साथ एक्स की पावर 4, हाँ एक्स निकालो तो एक्स पावर फोर बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो यस सर, एक्स पावर फोर बाहर आएगा तो ऊपर जाकर के वो भी उसे माइनस करेगा, ऊपर वाले में कैंसिल आउट करोगे ना। हेलो करेगा मतलब तो ऊपर से जब हम एक्स की पावर 3 निकालेंगे तो दोनों में से एक्स की पावर 4 कॉमन आएगा तो कट जाएगा। हाँ तो क्या करो, इसमें से थ्री कॉमन निकालना पड़ेगा और यहां से भी थ्री कॉमन निकालना पड़ेगा आपको, तो जब एक्स यस पावर थ्री कॉमन निकालोगे तो खाली यही नंबर बचेगा आपके पास में जिसके साथ एक्स नहीं होगा, यस सर, और यहाँ पे भी खाली यही नंबर बचे इस पास एक्स नहीं होगा, बाकी ये 2x और जो x है उसमें तो 1/x² और उस फॉर्म में आ हाँ सब में जाएगा। एक्स का फंक्शन, एक्स का पार्ट रह जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो इसको सिंपली सिंपलीफाई कर लो, सिंपलीफाई करने पे क्या मिल जाएगा आपको, ये एक्चुअली मैं आपको सिंपली मिल जाएगा ये 2 + 4 x² के टर्म में वैल्यू मिल जाएगी आपको, ये आप इसको ओपन कर लो तो 8/3 मिल जाएगा। हेलो यस सर, ये 8/3 मिल जाएगा, यहां से आपको ये 2/3 मिल जाएगा ये एक्स पावर कैसे के, एक्स आएगा पावर मतलब तो हाँ पूरी सीरीज है ना। उसमें से मैं बिना एक्स वाले टर्म को ढूंढ रहा हूँ खाली अभी। हेलो यस सर बाकी जो भी मिलेंगे उसमें सब में जो है आपको एक्स के पावर मिलते चले जाएंगे आपको, ठीक यस सर, है। अब अगर इस टर्म को सॉल्व कर ले तो क्या मिलेगा, 3 × 3 = 6/2, यानी ऊपर सिर्फ 2 मिलेगा हमको, क्या मिलेगा ऊपर सिर्फ लिमिट, जब एक्स इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो बाकी पूरा टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ 2 मिलेगा और नीचे भी पूरा टर्म खत्म होकर के सिर्फ 4 मिलेगा, तो 2/4 = 1/2 मिल जाएगा हमको, ठीक है। सर इस तरीके से सॉल्व करके देखो, अगर पूरा ओपन करोगे तो आप लोग क्या करोगे इसको ओपन करने के लिए, ये 2x³ हो जाएगा, ये 8/3 x^4 हो जाएगा, अब पूरा पूरा सॉल्व करोगे, फिर कॉमन टर्म को साथ में लोगे फिर उसको सॉल्व करोगे। हमने क्या किया, हमने सिर्फ उन्हीं टर्म को ले लिया जहां पे x^4 आ सकता था, यस सर,
ठीक है। देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका पहला वाला टर्म, हाँ ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। अब बाकी जितने भी आएंगे उन सब में एक्स पावर कम से कम टू बचेगा। देखो एक्स एक्स पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ लाओगे 6 हो जाएगा, 4 निकालोगे, बाकी एक्स इंटू समथिंग हो जाएगा ये। तो सर एक्स को तो ये जीरो सारा डालेंगे तो जीरो, सब जीरो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इनका इवोल्यूशन फर्दर देखेंगे कैसे करेंगे, तब तक कि आप फार्मूला याद कर लेना इनको। ठीक है, सर थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।